नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। आपके साथ मैं हूं संजीव कुमार। सियासत में आज हम लाए हैं एक ऐसी शख्सियत जो वर्ष 2004 के चुनाव में देश के सबसे युवा सांसद बने और यहीं से शुरू हुआ उनका सियासी सफ़र। इसी सियासी गलियारे से होते हुए वे पहुंचे केंद्रीय मंत्री व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। आज हम बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे युवा व कद्दावर नेता की जिनके अभिनंदन का अंदाज वह सिर पर बंधे साफे का तरीका ही उन्हें दिलाता है देश में एक अलग पहचान। इनके अभिनंदन का तरीका राम राम सा से सभी के जहन में एक ही बात, एक ही राजनेता का नाम आता है और वो है सचिन पायलट। पायलट एक राजनेता के साथ मोटिवेशनल वक्ता भी हैं और भारतीय राजनीति में इन्हें एक नए रूप में देखा जाता है जो इनके व्यक्तित्व में साफ झलकता भी है। आइए रुक करते हैं पायलट के जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर। शुरू करते हैं सचिन पायलट के परिवार व शिक्षा से। पायलट का जन्म 7 दिसंबर 1977 को सहारनपुर में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय राजेश पायलट और माता का नाम श्रीमती रमा पायलट है। पायलट के पिता कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे। वह उस समय यह भी कयास लगाया जा रहा था कि राजेश पायलट देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। पायलट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती विद्यालय से की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पायलट ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक किया और इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए किया। संयोग से वहीं सारा भी उच्च शिक्षा ले रही थी जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और भारत आकर काफ़ी वाद विवाद के बीच दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा से 5 बार सांसद रहे। वह आखिरी समय में भी अपना लोकसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम से जयपुर लौटते वक्त दौसा के पास भंडाना में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती रमा पायलट उपचुनाव में दौसा से सांसद चुनी गई। सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा से 5 बार सांसद रहे। वह आखिरी समय में भी अपने लोकसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम से जयपुर लौटते वक्त दौसा के पास भंडाना में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती रमा पायलट उपचुनाव में दौसा से सांसद चुनी गई। इसके बाद सचिन पायलट ने भी अपना पहला चुनाव दौसा से महज 26 वर्ष की उम्र में लड़ा और संसद चुने गए। पायलट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती विद्यालय से की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पायलट ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक किया और इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए किया। संयोग से वहीं सारा भी उच्च शिक्षा ले रही थी जो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए और भारत आकर काफ़ी वाद विवाद के बीच दोनों वैवाहिक बंधन में बंध गए। सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट दौसा से 5 बार सांसद रहे। वह आखिरी समय में भी अपने लोकसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम से जयपुर लौटते वक्त दौसा के पास भंडाना में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती रमा पायलट उपचुनाव में दौसा से सांसद चुनी गई। इसके बाद सचिन पायलट ने भी अपना पहला चुनाव दौसा से महज 26 वर्ष की उम्र में लड़ा और संसद चुने गए। अब बात करते हैं सचिन पायलट के स्वभाव व शौक की। पायलट शुरू से ही गंभीर प्रकृति के रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मत यह भी है कि पायलट को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। एक जमीनी किसान नेता हैं पायलट। उनका अपने कार्यकर्ताओं के घर या खेत पर भी समय व्यतीत करने का अंदाज उन्हें औरों से अलग बना देता है। आइए अब चलते हैं सचिन पायलट के सियासी सफर की ओर। पायलट ने 20 फरवरी 2002 को एक किसान सभा आयोजित कर राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना सियासी सफर शुरू किया। अपने पिता के निधन के बाद 2004 के चुनाव में
कांग्रेस ने दौसा लोकसभा से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया और उन्होंने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को करीब 1.25 लाख मतों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की और 26 वर्ष की आयु में देश के सबसे युवा सांसद बने। दौसा की जनता से है पायलट का विशेष प्रेम। यहीं से उनके पिता भी करीब 5 बार सांसद रहे और उनकी मां भी सांसद चुनी गई। संसद में 7 बार दौसा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व पायलट परिवार ने ही किया। सचिन पायलट केंद्र सरकार के गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य व नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट ने रुख किया अजमेर का और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। अजमेर की जनता ने भरपूर सम्मान देते हुए अपने नेता को सांसद चुना। 28 अक्टूबर 2012 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में उन्हें केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार की शपथ दिलवाई गई। वे उस समय के सबसे युवा मंत्री थे। वर्ष 2014 में फिर एक बार कांग्रेस ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया, मगर इस बार मोदी लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस राजस्थान में अपना खाता भी नहीं खोल पाई और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। लेकिन पायलट की मेहनत और लगन को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी और पायलट बने पीसीसी चीफ और सबसे लंबे समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। पायलट ने करीब 6 साल इस पद पर कार्य किया। और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति के तहत प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता दिलवाई। साथ ही टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा और विधायक बने। इसके बाद शुरू होता है प्रदेश में राजनीतिक हलचल का दौर। समय था प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ का। एक चेहरा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहीं दूसरा चेहरा था पीसीसी चीफ सचिन पायलट। इसके बाद शुरू होता है प्रदेश में राजनीतिक हलचल का दौर। समय था प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ का। एक चेहरा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहीं दूसरा चेहरा था पीसीसी चीफ सचिन पायलट। परंतु आखिर में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और पायलट को बनाया उप मुख्यमंत्री। तब से ही कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात हमेशा खटकती रही कि आखिर इतनी मेहनत करके सत्ता लाने पर भी मुख्यमंत्री का पद उन्हें क्यों नहीं दिया गया। पार्टी में अंदरूनी खींचतान चलती रही और आखिर में सामने आया प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल, जिसमें सरकार ही दो गुटों में बट गई। पहला गुट था प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का, वहीं दूसरा गुट था कांग्रेस के युवा नेता व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। यह सियासी खेल चलता रहा। न जाने कितने मोड़ लेने के बाद आखिर कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ से मुक्त कर दिया। अब देखना यह है कि इस सियासी खेल का परिणाम क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं जनता और कार्यकर्ताओं के जहन में कि क्या पायलट वापसी करेंगे अपने घर में या जुड़ेंगे बीजेपी से या फिर शुरुआत करेंगे एक नए कल व नई पार्टी के साथ। अभी यह कोई नहीं जानता कि इस सियासी जंग का परिणाम क्या होगा। चलेगा राजनीति के जादूगर का जादू या जीतेगा युवा जोश। इसी के साथ सियासत की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार सियासत में होगी एक और शख्सियत। देखते रहिए सियासत संजीव के साथ। धन्यवाद।